तेरा बाप आया। जय महाकाल मेरे प्रिय सनातनियों। सनातनियों, आपने देखा होगा आदि पुरुष आने के बाद लोग मनोज मुंतशिर के पीछे पड़े, तो मैं भी थोड़ा पीछे पड़ती हूँ। तो मनोज मुंतशिर ने क्या है कि जो अभी इंटरव्यू हुए तो उसमें क्या है कि उसने हनुमान जी को लेके ये बोला, वही बजरंगबली बालक समान भी है, उनके अंदर बाल सुलभ जो उनका चरित्र है वो ऐसा है, वो मुस्कुराते हैं, वो हंसते हैं, वो श्री राम की तरह बात नहीं करते, बजरंगबली दार्शनिक बातें नहीं करते, बजरंगबली भगवान नहीं है, भक्त है, हमने उनको भगवान बनाया बाद में क्योंकि उनकी भक्ति में वो पावर था। तो आपने देखा कि उसने बोला कि हनुमान जी ऐसे नटखट थे, ये थे, ठीक है। तो मैं आपको वाल्मीकि रामायण से प्रमाण दे रहा हूँ, ठीक है, और जहाँ से मतलब जो वाल्मीकि रामायण की जो समीक्षा करी है हनुमान जी के ऊपर, तो श्री राम आर्य ने क्या अपनी किताब में ये थोड़े से पॉइंट डाले जो कि वहीं से वाल्मीकि रामायण से उठाए, ठीक है, किष्किंधा कांड से। तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हनुमान जी है वो वेदों के ज्ञाता दिखाए जा रहे हैं, फिर व्याकरण के प्रखंड विद्वान दिखाए जा रहे हैं। अब आप खुद भी समझ सकते हो कि नटखट तो ऐसे कैसे करेगा, फिर उसमें ब्रह्मचारी भी दिखा रहे हैं। और जब जैसे हनुमान जी जब राम जी से पहली बार मिलते हैं किष्किंधा कांड में, तो उससे पहले वो वेश बदल के जाते हैं, एक ब्राह्मण टाइप का वेश लेते हैं, भिक्षुक टाइप का, और वो जाते हैं उनसे ताकि पता करे कि भाई ये कौन है, क्योंकि सुग्रीव उनको भेजते हैं। तो आप देख सकते हो कि नटखट तो ऐसे कैसे करेगा, तो आप देख सकते हो कि इतना झूठा है कि कुछ भी बकता है, इसने खुद ने वाल्मीकि रामायण नहीं पढ़ी। फिर अभी अभी इसने क्या है कि रावण के ऊपर एक वीडियो बनाया, तो उसमें ये बोला इसने, होने वाली बहू रंभा के साथ रावण ने दुष्कर्म किया, अपने ही भाई की बहू, अपने ही भतीजे की होने वाली पत्नी। रंभा हाथ जोड़कर रावण को याद दिलाती रही कि वो तो उसके लिए पिता समान है और एक पिता पुत्री के साथ शारीरिक संबंध कैसे बना सकता है, लेकिन ये सवाल न रावण को व्यथित कर पाए, न व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स तक कभी पहुंच पाए। और रावण ने माँ सीता को अशोक वाटिका में हाथ क्यों नहीं लगाया, क्योंकि वही रंभा जिसका रावण ने शील भंग किया था, उसके पति नल कुबेर ने रावण को श्राप दिया था यदि वो किसी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध छू भी लेगा तो उसका सर खंड खंड होकर बिखर जाएगा। माँ जानकी को हाथ ना लगाने का कारण रावण की महानता नहीं, मृत्यु के लिए उसका भय था। तो आपने देखा कि इसने बोला कि भाई रावण जो था उसने मतलब ये कुकर्म किए थे लड़कियों के साथ, ठीक है। तो वो तो हमें भी पता है कि रावण कितना बड़ा कुकर्मी था। तो आपने देखा कि जब इसने ये बोला कि वो उसने माता सीता को हाथ क्यों नहीं लगाया, तो उसने बताया कि भाई उन लोगों ने इसको श्राप दिया था कि भाई किसी भी स्त्री को उसके बिना मतलब कहे छुएगा तो भस्म हो जाएगा। अब जो ये सीता माता को हाथ लगाने वाली जो बात है कि भाई नहीं हाथ लगाई, रावण ने क्यों नहीं हाथ लगाया उसको, ठीक है, भस्म होने का कुछ नहीं है, वाल्मीकि रामायण से आपको प्रमाण दिखा रहा हूँ। तो वहाँ पे साफ आ रखा है कि रावण ने क्या है कि एक साल की मोहलत दी थी सीता को कि भाई एक साल के अंदर अंदर तू मान जाना, ठीक है, और मुझे पति के रूप में स्वीकार कर लेना, वरना तुझे वहाँ के जो मतलब जो भी जानवर होते थे उनका टुकड़े टुकड़े करवा के वहाँ पे डाल दूंगा, उनको खिला दूंगा, ठीक है। फिर जब 2 महीने बाकी रहे थे तो रावण ने एक बार और आया कि भाई अब तेरे पास 2 महीने बाकी है, तो उस समय भी आप देख सकते हो ये लिखा है इसमें। उसके बाद क्या हुआ कि जब सुंदरकांड का जो पार्ट आया तो उसमें क्या है कि जब हनुमान जी उनके पास जाते हैं माता सीता के पास, तो वहाँ पे भी सेम का सेम माता सीता उनको बताती है कि भाई मेरे पास इतने महीने रहे हैं और अगर भगवान राम उनको छुड़ाने नहीं आए तो वो अपना प्राण त्याग देगी वहीं। तो आप देख सकते हो कि इतना कुछ वहाँ पे आए, नहीं हाथ लगाने का कारण आपको पता चल गया होगा कि भाई एक साल की मोहलत दी थी रावण ने, पर आप देख लो ये तो कुछ भी बकरा है, इसको क्या जाता है, पैसे थोड़ी लगते हैं, कभी खुद कुछ पढ़ता नहीं है वाल्मीकि रामायण, ठीक है, और मतलब बकायदा भगवान राम वहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई वो तो कुछ नहीं, इतने महीनों तक तो रहेगी, मैं उसके बिना कैसे रहूँगा, तो जल्दी जल्दी करिए, मतलब इसके आगे का पार्ट आता है जब वो सुग्रीव को ऐसे कहते हैं। तो आप देख सकते हो कि इतना दोगला है, और ये तो इतना दोगला है कि इसके पिताजी जो थे वो अगर कोई मान लो वजन वजन का ऐसा कुछ करते थे तो ये वहाँ पे रसूल अल्लाह करता था। मुझे एक मंजरनामा याद आता है
कि पापा सुबह सुबह उठ के और शिव स्रोत का पाठ किया करते थे ऊंची आवाज में। नमामि शमीशान निर्माण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम अजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकार माकाश वासम भजे हम। बगल में मनोज मुंतशिर लगाया होता था, ख्याल गैर को दिल से मिटा दे या रसूल अल्लाह। तो आप देख सकते हो ये तो ऐसा दोगला है, और इसने जो पीछे मुंतशिर वाला लगाया है, तो पहले ये तो मनोज शुक्ला था, तो इसको शुक्ला से प्रॉब्लम थी, तो इसने फिर पीछे से हटा के मुंतशिर किया, क्योंकि उसमें क्या मजा नहीं आ रहा था। अब देखो अपने जो पीछे का पार्ट होता था उसको हटाया है इसने। मनोज मुंतशिर, मुंतशिर की मीनिंग बिखरा बिखरा, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। बिल्कुल, यू आर नॉट मिस्टेकन एट ऑल। तो ये किस तरह से जुड़ा, और कोई अल्फाज नहीं जुड़ा मनोज के साथ, मुंतशिर कैसे जुड़ा? इत्तेफाक है यार, रैंडम तो नहीं हो सकता। ये रैंडम है, ये रैंडम है, मैं बताता हूँ रैंडम कैसा है। मैं शायरी की तरफ झुकने लगा तो मुझे भी एक पेन नेम की जरूरत थी, और मैं था मनोज शुक्ला। तो मनोज शुक्ला में वैसे भी वजन नहीं था, वेट नहीं था। ऐसा बदमाश है, क्या कहे यार, आप बताओ मुझे। तो इन जैसे लोगों से आप दूर रहिए, क्योंकि ये तो कुछ भी फैलाते हैं, इनको बस पैसे मिलते हैं, क्योंकि ये तो बॉलीवुडिया है, बॉलीवुडियों को फुल पैसे मिलते हैं दोगलापंती करने के। तो आप देख सकते हो महा दोगला है ये, तो इस पे तो विश्वास करना आप भूल ही जाइए कि इसके ऊपर विश्वास हो सकता है। तो बस आपको यही बताना था कि इसके ऊपर आप बिल्कुल भी विश्वास मत करिए। जय महाकाल, सभी को नमस्कार।